गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे विल हैव आवर अनदर लेक्चर ऑफ थी ऑफ मशीन एंड टूडे विल डिस्कस विद द टॉपिक दैट इज़ आवर फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज फंडामेंटल एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब क्लासेस हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस जब चल रहा था तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ऑलरेडी कुछ पार्ट्स हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे लेकिन नंद हम लोग आज फिर से इसी के बारे में रिवाइज करेंगे और स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो आता है वो क्या आपका फंडामेंटल्स और टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन जो सब्जेक्ट्स के अंदर आता है वो क्या होता है देखिए यहाँ पे तो थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस मशीन पार्ट्स एंड द फोर्सेज विच एक्ट ऑन दैम तो क्या है थ्योरी मशीन एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का जिसपे हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में किसके रिलेटिव मोशन अलग अलग मशीन पार्ट्स के बीच का रिलेटिव मोशन के बारे में और जो फोर्सेज उसमें एक्ट करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं थ्री ऑफ मोशन या फिर जो मशीन्स है आपका थ्री ऑफ मशीन जो है या फिर सिंपली मशीन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है सबसे पहला होता है कानामेटिक्स दूसरा होता है डायनेमिक्स ऑलरेडी आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊँ कानेमेटिक्स का मतलब क्या होता है आपका जो मोशन पर रहता है और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है आपका जो फोर्सेज से डील करता है कानामेटिक्स का मतलब होता है जो सिर्फ मोशन से डील करता है डायनेमिक्स का मतलब जो फोर्स के साथ डील करता है डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया स्टेटिक्स में और कानेटिक्स में या फिर इसको भी हम लोग बोलते हैं काइनामेटिक्स में दैट मींस जो आपका रेस्ट में होता है उसको स्टेटिक बोलते हैं जो मोशन पे होता है उसको हम लोग उसको कानेटिक्स बोलते हैं अब आता है आपका कैनामेटिक्स के बारे में सो वट इज कैनामेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ ऑफ मशीन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन जो अलग अलग पार्ट्स का मशीन के बारे में डिस्कस करता है उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं कानामेटिक्स बोलते हैं जो क्या करता है स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन ये हो गया आपका काइनामेटिक्स और दैट इज द स्टडी ऑफ पोजिशन डिसप्लेसमेंट और स्पीड वैलिसिटी एक्सलेशन ये ऑल्सो भी अगर आपका इसके बाद The the का स्टडी को भी हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर में डायनेमिक्स क्या होता है आपका इट इज डील्स फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स एक्टिंग ऑन मशीन पार्ट्स। जो आपका फोर्स या फिर उसका इफेक्ट जो एक्ट करता है कोई भी मशीन पार्ट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायनेमिक्स बोलते हैं डायनामिक्स को दो पार्ट में है स्टेटिक्स और कैनेटिक्स तो स्टेटिक्स क्या होता है इट डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स वेन द मशीन पार्ट आर एट रेस्ट जब भी कोई फोर्स या फिर उसका इफेक्ट के वजह से कोई मशीन पार्ट अगर रेस्ट में ही रहता है तो उस पार्ट का उस स्टडी को या फिर उस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेटिक्स बोलते हैं काइनेटिक्स का मतलब क्या था इट डील्स विद द इनर्सिया फोर्सेस विच ऑकर फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड मोशन ऑफ मशीन पार्ट मतलब अगर कंबाइन कम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट रहेगा मास और दो मशीन दोनों का तो उस प्रकार का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स बोलते हैं तो ये अल्टीमेटली चारों चीज हो गया काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स स्टेटिक्स और काइनेटिक्स अब आप लोगों को सबसे पहला टर्म आता है जो हम लोग मशीन्स का डिजाइन से पहले पढ़ते हैं वह होता है कि काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट ये क्या होता है क्योंकि अगर कोई भी मशीन आपका ऑपरेट कर रहा है तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तभी एक मशीन कंप्लीटली ऑपरेट हो पाता है दैट मीन्स लिंक होना बहुत जरूरी होता है जैसे कि आप यहां पे एक अरेंजमेंट देखो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है जैसे यहाँ पर सिलेंडर है पिस्टन है स्मॉल एंड बेयरिंग है इंजन फ्रेम है क्रॉस तो ये सारे पार्ट्स क्या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ड्यू टू दिस कनेक्शन एक दूसरे का मोशन को एक दूसरे के बीच में वो ट्रांसमिट कर रहे हैं और ड्यू टू ऑफ मोशन क्या हो पा रहा है आपका अल्टीमेटली पावर का भी ट्रांसमिशन हो रहा है तो अल्टीमेटली अगर आपका ये सब दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे, तो फिर अल्टीमेटली पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा हो तो मतलब कोई भी पार्ट मशीन का जो कि रिलेटिव दूसरे किसी पार्ट से अगर वो मूव कर करता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं कानेमेटिक लिंक और एलिमेंट बोलते हैं आई होप ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को नेक्स्ट जो है आपका वो है लिंक्स का कितना टाइप्स होता है तो जनरली लिंक्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं रिजिड लिंक फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूड लिंक ऑलरेडी आई नो दैट आप लोगों को ये डिस्कस किए हुए हम क्लास में लेकिन अंदरलेस आप लोग फिर से एक बार इस चीज़ को अंडर हो जाइए तो सबसे पहले रिजिड लिंक क्या होता है अ लिंक विच नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन अगर एक लिंक है जो किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं उस पर आता है जब उस पर हम लोग मोशन को ट्रांसमिट करते हैं तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिजिड लिंक बोलते हैं मतलब अगर कोई लिंक है जिसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा वाइल्ड ट्रांसमिटिंग मोशन देन दैट टाइप ऑफ लिंक इज जनरली एज क्या होता है आपका रिजिड लिंक बोलता है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता आपका है आपका कनेक्टिंग रॉड है क्रैंक है पिस्टन है ये सारा क्या है इसका एग्जाम्पल है रिजिट लिंक का मतलब जो कि मोशन ट्रांसमिट करने टाइम कोई भी प्रकार का डिफॉर्मेशन उस पर नहीं हो रहा इसका एग्जांपल वहाँ पे यहाँ पर कनेक्टिंग रोड इस प्रकार का सेप का होता है यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ फिगर में आप उसको देख सकते हो पिस्टन्स भी यहाँ पे दिखाया हुआ है तो ये सारा जो अरेंजमेंट ये हो गया आपका ऑयल रिंग ये कंटेनर्स वगैरह है जो भी आपका यहाँ पर यह कनेक्टिंग रॉड पूरा होल अरेंजमेंट हो गया ये आपका पिस्टन रिंग हो गया कंप्रेशन रिंग जो बनाए हुए होल अरेंजमेंट को पिस्टन बोलता है इसमें से ये पिस्टन हो गया और ये जो हो गया पार्ट हो ये हो गया आपका कनेक्टिंग रॉड

और कंप्रेशन ऑनली मतलब एक लिंक जो मोशन को ट्रांसमिट करेगा बाय मीन्स ऑफ फ्लूड और प्रेशर और कंप्रेशन दैट आर नोन एज फ्लूड लिंक इसका एग्जांपल क्या आपका हाइड्रोलिक प्रेसेस ब्रेक्स जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह जो लगता है उसमें फ्लूड के वजह से आपका ब्लग जो ब्रेक अप्लाई करते हैं हम लोग तो दीज आर नोन एज फ्लूड लिंक अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कानेमेटिक्स पेयर के बारे में तो कानेमेटिक पेयर क्या होता है आपका इफ टू लिंक और एलिमेंट्स ऑफ ए मशीन आर इन कॉन्टेक्ट विथ इच अदर देन इट इज नोन एज पेयर अगर दो लिंक और एलिमेंट एक मशीन का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एज ए कम्बाइंड उसको पेयर बोलते हैं एंड इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन इज दम्प्लीटली और सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट दैट इज इन डिफाइनाइड डायरेक्शन देन द पेयर इज नोन एज कैनेमेटिक पेयर और अगर रिलेटिव मोशन उस दोनों ही पेयर के बीच में सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट होता मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर डिफाइन किया हुआ रहता है दोनों उस दोनों लिंक का यानी कि उस पेयर का अगर रिलेटिव मोशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में

रिलेटिव मोशन के रूप में और वो कंप्लीटली सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट मतलब वो अपना मोशन को डिफेइट डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा है तो उस प्रकार का पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर कॉन्स्टेंट मोशन का मतलब क्या होता है सिंपली मोशन इन अ डिफनाइट डायरेक्शन अब जो कॉन्स्टेंट मोशन होता है इसको भी तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं क्या क्या होता है एंड सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहला जो है आपका वो क्या है आपका तो कांस्टेंट क्या होता है वो बिटवीन पेयर इज लिमिटेड टू ए डिफाइट डायरेक्शन में, में तो का का यहां पर एग्जाम्पल दिखाया गया कि स्क्वायर ब्लॉक है स्कोयर होल है तो यह ब्लॉक क्या हो सकता है आगे फॉरवर्ड मूव कर सकता है या फिर बैकवर्ड जा सकता है इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता तो इसका मोशन क्या किया गया कॉन्स्टेंट कर दिया मतलब लिमिट कर दिया गया तो इस

and can take place in more than one direction then the motion is called completely incompletely constant motion. मतलब अगर कोई भी pair का motion को एक से ज्यादा पेय मतलब मोशन में डायरेक्शन में सिंपली कहा जाए अगर वो ट्रांसमिट हो पा रहा है उसका मोशन को मतलब मोर देन वन जैसे कि पहला वाला केस में क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ वो बॉल आगे और पीछे ही आपका वो साफ्ट उस स्क्वायर बॉल के थ्रू आगे पीछे ही हो सकता था और कुछ मोशन नहीं था वो इसीलिए एक ही डायरेक्शन में डिफाइंड डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट था पर अगर आपका एक से ज्यादा डायरेक्शन मतलब अगर आपका टू डायरेक्शन है मोर देन वन टू या थ्री डायरेक्शन जो भी हो अगर उस डायरेक्शन में अगर आपका मोशन को कॉन्स्टेंट किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनकंप्लीटली कॉन्स्टेंट मोशन इसका इसका मतलब क्या? सर्कुलर सर्कुलर होल। एग्जाम्पल कैसे होगा देखिए यहां पे। ये भी उसी प्रकार से अरेंजमेंट है कि एक स्क्वायर वाला आपका ये अरेंजमेंट है और इस पर भी एक साफ्ट लगा हुआ लेकिन साफ्ट का जो है इस बार जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या आपका सर्कुलर है दैट मीन ये आगे पीछे तो मूव करेगा ही करेगा साथ ही साथ यहां पे ये रोटेट भी हो सकता है अपना एक्सिस के अलाउंग दैट मीन्स एक मोशन तो हो गया इसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और दूसरा मोशन क्या हो गया इसका सर्कुलर तो अगर एक से ज्यादा मोशन वो अगर ट्रैवल कर सकता है बट वो फिक्स्ड है ये इसके बाहर और कोई मोशन नहीं है ये दो ही मोशन कर सकता एक उसका मोशन कांस्टेंट हो बट वो मोर देन वन मोशन अगर ट्रैवल कर सके विद इन दैट लिमिटेड पीरियड तो उस प्रकार का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं इनकंप्लीटली कॉन्स्टेंट मोशन अब तीसरा आता है सक्सेसफुल्ली कॉन्स्टेंट मोशन तो ये क्या होता है वो इन द मोशन बिटवीन द पेयर इज नॉट कंप्लीटली कॉन्स्टेंट बाई इट्स बाई द मोशन इज सेट टू बी सक्सेसफुल्ली कॉन्स्टेंट मोशन मतलब अगर कोई भी मोशन किसी भी पेयर के बीच में अपने से कॉन्स्टेंट नहीं हो पर किसी और तरीका से अगर वो कॉन्स्टेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सक्सेसफुल्ली कॉन्स्टेंट मोशन जैसे कि मोशन ऑफ आईसी इंजन वाल्व साफ्ट इन फुट स्टेप बेयरिंग जैसे कि भाल्वस के बारे में आप लोग पढ़े हो क्या होता है भाल्वस कैमसाप्ट जब रोटेट होता है तो भाल्वस क्या होता है कैमसाप्ट का रोटेट होने की वजह से आपका ये लोब की वजह से भाल्व ओपन होता है फिर ऑटोमेटिकली घूमता है तो क्लोज हो जाता है मतलब अपने से कुछ नहीं हो रहा ड्यू टू सम अदर मशीन पार्ट वो मूव कर रहा है जिसके वजह से वो उसमें प्रेस कर रहा है तो वो भाल्व खुल रहा है फिर ऑटोमेटिकली वो मूव कर रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली वो भाल्व बंद हो जा रहा है तो ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मोशन जो होता है आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं सक्सेसफुल्ली कॉन्स्ट्रेंट मोशन अब आता है आपका कानीटिक पेयर जो हम लोग पढ़ रहे थे तो कानिटिक पेयर को भी हम लोग क्लासीफाई किए हैं अलग अलग टाइप्स में तो वो क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट अगर रिलेटिव मोशन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग उसको क्लासिफाई करें तो आपका पांच टाइप में यहाँ पर क्लासिफाई किया जा सकता है स्लाइडिंग पेयर टर्निंग पेयर लोअरिंग पेयर स्क्रू पेयर एंड स्पेरिकल पेयर तो ये पांच टाइप में उसको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट अगर हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन एलिमेंट तो वो दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है लोअर पेयर और हायर पेयर और अगर हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर तो वो दो टाइप में अगेन डिवाइड किया जाता है सेल्फ क्लोज पेयर एंड फोर्स क्लोज पेयर हम लोग एक एक करके हर एक के बारे में अभी स्टडी करेंगे तो सबसे पहला क्या है आपका स्लाइडिंग पेयर तो स्लाइडिंग पेयर क्या होता है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो स्लाइडिंग पेयर क्या होता है देखिए इन अ पेयर इफ वन एलिमेंट कैन ऑनली स्लाइड रिलेटिव टू अदर एलिमेंट देन द पेयर इज नोन ए स्लाइडिंग पेयर मतलब एक पेयर में अगर एक एलिमेंट अगर स्लाइड कर सकता है रिलेटिव टू अदर एलिमेंट मतलब इन अ पेयर इफ वन एलिमेंट कैन ओनली स्लाइड रिलेटिव टू मतलब किसी एक एलिमेंट के द्वारा वो सिर्फ स्लाइड कर सकता है एज स्लाइडिंग पेयर जैसे कि पिस्टन एंड सिलेंडर क्रॉस हेड गाइड स्टेल स्टॉक और लेथे मतलब क्या हो कि एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है वन एलिमेंट कैन ओनली स्लाइड रिलेटिव टू अदर एलिमेंट तो उस प्रकार का पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग पेयर मतलब एक के ऊपर दूसरा जो स्लाइड करते हुए मोशन

पेयर इज नोन एज टर्निंग पेयर मतलब किसी भी पेर में एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स करे तो उसको हम लोग अल्टीमेटली मूव करता है तो सिंपली एक सिर्फ जगह पर इसका कनेक्शन है तो ये क्या है ये कॉन्टेक्ट क्या हो रहा है एक प्रकार का रिवॉल्विंग मोशन प्रोवाइड कर रहा है इसी प्रकार से इस साफ्ट में जो बेयरिंग है वो भी क्या रिवॉल्विंग दे रहा है यहां पर जो हेड स्ट्रोक है ये भी रिवॉल्विंग मोशन दे रहा है क्या किसी भी एक पेयर में दूसरा एलिमेंट को या तो टर्न या फिर रिवॉल्व करा हुआ सेंटर के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ पेयर नेक्स्ट आता है आपका रोलिंग पेयर तो रोलिंग क्या होता है इन अ पेयर इफ वन एलिमेंट रोल्स ओवर अनदर फिक्स एलिमेंट देन द पेयर इज पेयर अगर एक पेयर में एक एलिमेंट किसी दूसरे फिक्स्ड एलिमेंट के ऊपर में अगर रोल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रोलिंग पेयर बोलते हैं जैसे कि बॉल एंड रोलर बेलिंग आप देख सकते हो बॉल एंड रोलर बेलिंग में क्या होता है कि ये आपका एक बॉल अरेंजमेंट है और इसके अंदर में ये अरेंजमेंट क्या होता है कंप्लीटली रोल करता रहता है घूमते रहता है तो इस प्रकार का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं रोलिंग पेयर नेक्स्ट आता है आपका स्क्रू पेयर तो स्क्रू पेयर क्या आता है इन अ पेयर इफ वन एलिमेंट कर्न टर्न अबाउट द अदर बाय स्क्रू थ्रेड्स देन द पेयर इज नोनेज स्क्रू पेयर किसी भी पेयर में अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर टर्न करेगा बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू थ्रेड्स बाई मीन्स ऑफ स्क्रू थ्रेड of टाइप ऑफ पेर नॉन एज स्क्रू पर नट एट बोल्ट लेड स्क्रू और लेथ विथ जैसे कि हम लोग कोई स्क्रू को अगर किसी भी होल पर इंसर्ट करते हैं तो वो इजिली स्क्रू ड्राइवर से इंसर्ट हो जाता है लेकिन अगर कोई हम लोग लो हैमिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यूसली हमको स्ट्रोक देना पड़ता है तो अगर क्या होता है कि मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं हम लोग अल्टीमेटली वो होल में स्क्रू जो थ्रेड होता है वो थ्रेड क्या करता है मोशन को ईजिली ट्रांसमिट करने में मदद करता है तो अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है बाय मीन्स ऑफ स्क्रू थ्रेड देन दैट टाइप ऑफ पेयर इज नोन एज स्क्रू पेयर आखिरी होता है जो वो होता है आपका स्पेरिकल पेयर तो स्पेरिकल पेयर क्या होता है इन अ पेयर इफ वन एलिमेंट टर्न्स और स्वीबल्स अबाउट द अदर फिक्स्ड एलिमेंट देन द पेयर इज नोन एज स्पेरिकल पेयर कि अगर किसी पेयर में एक एलिमेंट टर्न या फिर स्वीबल करता है किसी और एलिमेंट के अकॉर्डिंग देन दैट इज नोन एज स्पेरिकल

फिर आपका सेल क्लोज पेयर फोर्स क्लोज पेयर और भी बहुत सारे आपका कानेमेटिक्स जो फोर बार चेंस वगैरह है कैसा कैसा करके हम लोग डिफाइन करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे आई होप आप लोग इसको समझे होंगे नन द लेस यू कैन आस्क मी। थैंक यू थैंक यू फॉर यर इन द क्लास